नमस्कार बच्चों, वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड अबाउट आर्टिफिशियल सैटेलाइट इन आवर प्रीवियस लेक्चर. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक, स्पेस ट्रेवल. ओके, नाउ राकेश शर्मा, कल्पना चावला एंड द सुनीता विलियम्स आर द फेमस एस्ट्रोनॉट्स ऑफ द इंडियन ओरिजिन. कल्पना चावला के बारे में आप लोगों ने पहले ही काफ़ी टाइम सुना होगा. राकेश शर्मा के बारे में भी हम सुन चुके हैं और सुनीता विलियम्स, ये हमारे फेमस एस्ट्रोनॉट में काउंट किए जाते हैं. दे हैव मेड अस प्राउड एंड ऑल्सो इंस्पायर अस. ये हमें बहुत ही प्राउड फील करवाते हैं कि हमारे इंडिया के एस्ट्रोनॉट हैं, और ये हमें इंस्पायर भी करते हैं, प्रेरित भी करते हैं. एस्ट्रोनॉट गॉट इन टू द स्पेस इन द स्पेस शटल. जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं वो स्पेस में जाते हैं विद द हेल्प ऑफ स्पेस शटल. इनकी हेल्प से वो एस्ट्रोनॉट जो होते हैं वो स्पेस में जाते हैं. दीज स्पेस शटल आर द लॉन्च फ्रॉम अ स्पेसिफिक प्लेस बाय मीन्स ऑफ द रॉकेट. जो ये स्पेस शटल्स होते हैं, ये एक स्पेसिफिक प्लेस पे लॉन्च किया जाता है. मतलब ऐसा नहीं कि कोई रश एरिया, भीड़ वगैरह एरिया वाले में नहीं, एक ओपन एरिया में. क्यों? और एज अ रॉकेट की तरह इनको लॉन्च किया जाता है. जब ये रॉकेट की तरह ऊपर जाते हैं तो इनसे फायर निकलते हैं, इसलिए आसपास के एरिया के लिए स्पेसिफिक प्लेस उसके लिए सर्च किया जाता है. After the completion of the mission, the space shuttle comes back to the land at the special landing site. जब इनका वहाँ पर जाने का reason पूरा हो जाता है, वो mission complete हो जाता है, तब ये वापस अर्थ पर आते हैं. वो अर्थ पर आना भी, जो उनकी लैंडिंग होती है वो भी एक स्पेशल लैंडिंग होती है, वापस अर्थ पर जब आते हैं. ओके, नाउ एस्ट्रोनॉट कंडक्ट वेरियस एक्सपेरिमेंट. अब जब वहाँ पर जाते हैं वो एक्सपेरिमेंट भी करते हैं, वहाँ पे काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स भी किए जाते हैं. दीज एस्ट्रोनॉट्स आर हाईली ट्रेन्ड टू कैरी आउट टास्क लाइक स्पेस वॉकिंग, मॉनिटरिंग ईच अदर्स हेल्थ एंड कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट. जब वो एस्ट्रोनॉट्स वहाँ जाते हैं ना, वो बहुत हाईली ट्रेंड होते हैं, ठीक है. उनको बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है कि स्पेस वॉकिंग कैसे करनी है, मॉनिटरिंग, एक दूसरे की हेल्थ का ध्यान रखना, या फिर वहाँ पे जो भी एक्सपेरिमेंट करते हैं करने होते हैं उनके बारे में. द एस्ट्रोनॉट नोज एग्जैक्टली वट टू डू इन द केस ऑफ एमरजेंसी. कोई एमरजेंसी हो जाती है तो हमें वहाँ उस टाइम पर क्या करना पड़ता है या क्या करना पड़ेगा, उनको उस चीज़ के बारे में प्रॉपरली नॉलेज होती है. एस्ट्रोनॉट्स वियर स्पेशल स्पेस सूट्स. उनकी जो सूट्स, उनकी जो ड्रेसअप होती है वो भी एक स्पेशल होती है. दीज सूट्स क्रिएट अ स्मॉल एटमोसफियर अराउंड देयर बॉडीज एज देयर इज नो एयर इन द स्पेस. जो उनकी जो स्पेस के लिए जो उनकी ड्रेसअप होता है ना, वो उनके चारों तरफ एक एटमोसफेयर क्रिएट करते हैं. क्यों? क्योंकि वहाँ पर एयर तो होती ही नहीं है. ओके, नाउ देयर इज नो ग्रेविटी इन द स्पेस. देर इज नो ग्रेविटी इन द स्पेस. वहाँ पर ग्रेविटी नहीं होती, सो एस्ट्रोनॉट फील वेट लेस. उनका वेट वहाँ पर क्या होता है, बहुत ही कम उनको फील होता है. जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं ना मून में, कि 1/6 वेट वहाँ पर मून पर कैरी होता है, क्योंकि हमारा अगर वेट 42 kg है, जैसे ही हम मून पे जाएंगे तो हमारा 1/6 वेट ही वहाँ पे रह जाता है. सेम एज जब एस्ट्रोनॉट को फील होता है कि उनका वेट बहुत ही कम हो गया. एस्ट्रोनॉट नीड एक्सरसाइज एवरी डे टू स्टे फिट. उनको वहाँ पे भी उसमें स्पेसशिप में होते हुए भी एक्सरसाइज वगैरह करनी पड़ती है ताकि वो प्रॉपरली फिट रह सके. अर्लियर एस्ट्रोनॉट वर सिलेक्टेड फ्रॉम द फास्ट जेट पायलट्स. पहले तो नॉर्मल फास्ट जेट पायलट्स के थ्रू उनको सिलेक्ट कर लिया जाता था, बट मॉडर्न एस्ट्रोनॉट, लेकिन आज के जो आधुनिक एस्ट्रोनॉट्स हैं, आर लाइकली टू बी कंप्यूटर एक्सपर्ट और द साइंटिस्ट विद टेक्निकल स्किल एंड एक्सपर्ट नॉलेज दैट कुड बी यूजफुल इन द स्पेस. लेकिन जो आजकल हम जो एस्ट्रोनॉट को जो सिलेक्ट करते हैं, उनको ऐसे देखे सिलेक्ट करते हैं कि उनकी नॉलेज बहुत ही ज़्यादा हो, कंप्यूटर के एक्सपर्ट हो, साइंटिफिक टेक्निकल नॉलेज उन्हें बहुत ज़्यादा होती है, और या फिर कोई भी यूजफुल जो स्पेस के लिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है वो उनको पता हो. इस तरीके से हम उनको सिलेक्ट करते हैं. इमेजिंग योर सेल्फ टू बी द एस्ट्रोनॉट इन द स्पेसशिप On the way back to the earth from the moon. अब आप अपने आप के सोच के देखो कि आप एक एस्ट्रोनॉट हो और जो आप अपने स्पेसशिप में वापस आ रहे हो मून से अर्थ की तरफ, तो आपको क्या फील होगा. राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड शेयरिंग योर एक्सपीरियंस ट्रेवलिंग ऑन द टू द मून, कि आपको वहाँ फील कैसा हुआ, कैसा लगा आपको वहाँ पे मून पर घूम के. ओके, ये तो हमारा सा चैप्टर मून एंड सैटेलाइट्स यहाँ कंप्लीट हो जाता है. अभी मैं आपको वर्कशीट स्टार्ट करवा देती हूँ. ओके स्टूडेंट्स,
ओके, सम क्वेश्चंस आर देयर. हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमन गो टू इनटू द स्पेस? शी इज कल्पना चावला. नेम द फर्स्ट इंडियन आर्टिफिशियल सैटेलाइट? इट्स आर्यभट्ट. नेम द टू टाइप ऑफ द इक्लिप्स? हम इक्लिप्स पहले रीड कर चुके हैं कि लूनर इक्लिप्स एंड सोलर इक्लिप्स. नेम द स्पेसशिप दैट टुक थ्री अमेरिकन एस्ट्रोनोट टू द मून? हमने पहले पढ़ा था ना कि थ्री एस्ट्रोनोट जो मून पे गए थे वो किस स्पेसशिप से गए थे, उनके बारे में हमें बताना है. यहाँ देखो, ये हमारे तीन नील आर्मस्ट्रॉन्ग, एडविन एल्ड्रिन एंड द माइकल कॉलिंस, जो हमारे तीन एस्ट्रोनॉट थे जो मून पर गए थे, वो किस स्पेसशिप से गए थे? अपोलो 11. वो किससे गए थे? अपोलो 11 से. ओके, वर्कशीट ऑफ चैप्टर, दिस चैप्टर एमसीक्यू क्वेश्चन. एवरी डे हाई टाइड्स अकर्स. जो हाई टाइड्स होती हैं वो हर रोज बनती है. वो कितनी बार बनती है एक दिन में? टू टाइम्स. वन कैन नॉट हियर एनी साउंड ऑन द मून बिकॉज, हमें मून पे कोई साउंड नहीं सुनाई देती. क्यों? क्योंकि अब्सेंस ऑफ द एटमोसफेयर, वहाँ पे किसी तरीके का कोई एटमोसफेयर है ही नहीं. एवरी नाइट द मून अपीयर टू चेंज इट्स शेप. विच वन ऑफ द दीज शेप डज नॉट मून नेवर टेक? भी वो कह रहे कि जैसे हमने फेसेस ऑफ मून में पढ़ा था कि मून हर टाइम अपनी शेप्स चेंज करता रहता है, तो इनमें से वो कौन सी शेप है जो मून कभी भी उसको वो शेप आती ही नहीं है? ये देखो, ये किस चीज़ की शेप है अकॉर्डिंग टू फेसेस ऑफ मून? फुल मून. हम ये कर चुके हैं ना, ये फुल मून की शेप है, ये क्रिसेंट मून की शेप है. बट ये वाली शेप कभी मून की शेप कभी ये चीज़ आती ही नहीं, ये नेवर टेक, ये वाली शेप वो कभी लेता ही नहीं है. ओके, नाउ ए पर्सन हु जंप टू द हाइट ऑफ अ मीटर ऑन द अर्थ जम्प्स 6 meters हाई ऑन द मून विद द सेम एफर्ट बिकॉज द ग्रेविटी ऑफ द मून इज 1/6 ऑफ द अर्थ. ओके, नेक्स्ट द सर्कल ओड वन इन ईच ग्रुप. जो भी इनमें आपको ओड लगे लाइक दिस, दैट इज अ मून. स्पूतनिक वन, इनसेट वन भी. अब यहाँ पे ये दोनों क्या चीज़ है? ये दोनों आर्टिफिशियल सेटेलाइट है, बट मून इज अ नेचुरल सेटेलाइट. तो ओड वन क्या हो गया हमारे लिए? मून. सेम एज दिस क्वेश्चन, ये आप खुद करोगे. ओके, फिलिप्स. व्हेन द एंटायर मून इज इनविजिबल वी कॉल इट अ टोटल. जब पूरा का पूरा मून हमें दिखता ही नहीं है तो उस केस में कौन सा इक्लिप्स होता है? मून कब नहीं दिखता? जब मून के सामने अर्थ आ जाती है. जब मून के सामने अर्थ आ जाती है तब हमें एंटायर मून दिखता ही नहीं है. क्यों? वो लूनर इक्लिप्स होते हैं. Which eclipse? It's lunar eclipse. The natural satellite of the Earth is, which one is the natural satellite? Sun or moon? Moon. Moon is the natural satellite. Dash help us the communication, weather forecasting and the navigation. हमने ये artificial satellite में पढ़ा था कि कैसे वो उनका uses होता है satellites का. तो it's artificial satellites. It's artificial satellite. Dash occur when the moon comes between the sun and the earth. क्या होता है जब मून सन और अर्थ के बीच में आ जाता है? उस टाइम कौन सा इक्लिप्स होता है? आपको मैंने एक शॉर्टकट भी बताया, मून, M-O, मून, S-O, सोलर. जब मून सेंटर में आता है तब वहां पे कौन सा इक्लिप्स होता है? सोलर इक्लिप्स. ओके, द डैश हैज नो एटमोसफेयर. किस जगह पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं होता? ऑफकोर्स मून पे होता है, अर्थ पे तो हम रहते हैं ना, तो यहाँ तो एटमॉस्फेयर है बट मून पे कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है. ओके स्टूडेंट्स, ये थी हमारी वर्कशीट. कुछ क्वेश्चंस के सैंपल मैं आपको सेंड कर चुकी हूँ, कुछ रिमेनिंग होगा 1 या 2 क्वेश्चंस में आपको वो भी सेंड कर दूंगी. ओके, रीड दिस केयरफुली एंड डू दिस एक्सरसाइज देमसेल्फ. ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स.